हे गाइस, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और आज मैं यार थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आ गया है सैमसंग गैलेक्सी F62। और ये जो फोन के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सैमसंग ने ये अभी नया फोन अपना लॉन्च किया है, लेकिन इस फोन में आपको यार एकदम फ्लैगशिप वाले जो फीचर्स देखने को मिलते हैं। सैमसंग ने इससे पहले अपना एक बजट प्राइस रेंज में फोन निकाला था F41, अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर बिग बिलियन डे सेल पर आया था, और वो फोन भी यार उस प्राइस रेंज में काफी जबरदस्त था। लेकिन अब यहाँ पर सैमसंग ने अपना नया फोन निकाला है एफ सीरीज में, और इसमें आपको भाई जो भी फ्लैगशिप वाले जो भी फीचर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो मिड रेंज वाले फोन होते हैं उनमें जो प्रोसेसर्स रहते हैं वो फ्लैगशिप वाले क्यों नहीं देते। लेकिन इस बार सैमसंग ने कुछ नया किया है और इस F62 में आपको वो फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलता है जो आपको सैमसंग की नोट सीरीज, नोट 10 सीरीज में भी देखने को मिलता था। तो सारी चीज़ें इस फोन के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस फोन को आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, 22 तारीख को इसकी सेल चालू है 12 बजे से। और इसका जो प्राइस है 6GB वाला वेरियंट का वो है 23,999 रुपये, लेकिन वहाँ पर फ्लिपकार्ट पर आपको एक ICICI क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डिस्काउंट मिलता है 2,500 रुपये का। उसके बाद फ्लिपकार्ट का एक स्मार्ट अपग्रेड ऑफर भी है जिसमें आप ये फोन है 70% प्राइस पर 16,800 रुपये के करीब में खरीद पाओगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले आप इसके अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ इस फोन को यूज करने के लिए। तो बॉक्स है जैसा आप देख सकते हो, वो आपको कुछ इस तरह से दिया गया, ऊपर यहाँ पर दिख जाएगा ये जो फोन है ये किस तरह का है। उसके बाद यहाँ पर बड़ा बड़ा सैमसंग गैलेक्सी लिखा गया है। और ये जो फोन है ये दो वेरियंट में अवेलेबल है, 6GB रैम और 8GB रैम। मेरे पास ये 8GB वाला वर्जन है, 128GB यहाँ पर स्टोरेज है। उसके बाद ये जो कलर है मेरे पास है वो है लेजर ग्रीन। तो अब जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारा फोन। और बॉक्स को ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ ही आपको दिख जाएगा आपका सैमसंग गैलेक्सी F62। मैं इसको इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ और देख सकते हो यहाँ पर ये मेरे पास लेज़र ग्रीन कलर का है। इसको मैं एक बार साइड में रखता हूँ, बाकी जो बॉक्स के कंटेंट है उसे भी देख लेते हैं। और बॉक्स के नीचे यहाँ पर एक और छोटा सा बॉक्स है और इस बॉक्स में इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होंगी। तो यहाँ पर आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिलती है, रीजनल लॉक गाइड है, साथ में वारंटी कार्ड इन्फॉर्मेशन है, और इसी के बाद यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन है। और उसके बाद भाई बॉक्स में आपको यहाँ पर इसका जो चार्जर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद बॉक्स में यहाँ पर एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है और ये एक USB-C to USB-C चार्जिंग केबल है। तो ये तो थे बॉक्स के कंटेंट, अब आ जाते हैं हमारे फोन की तरफ। तो सबसे पहले इसका जो ये रैपर है इसे हटा लेते हैं और देखते हैं हमारा फोन। रैपर हटाने के बाद देख सकते हो यहाँ पर इसका जो कलर है वो कुछ इस तरह से है, इसके पीछे एक स्टिकर भी लगा है, मैं उसको भी हटा देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा सैमसंग गैलेक्सी F62 और देख सकते हो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ एक ग्रीन कलर का ग्रेडियंट है और साथ ही साथ यहाँ पर छोटी छोटी फाइन स्ट्राइप्स हैं, लाइंस हैं, और थोड़ा सा अलग तरह का डिज़ाइन है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यार इन हैंड फील की बात करूँ तो जो फ़ोन है मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा है, लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर आपको 7000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो काफ़ी बड़ी बैटरी है और उसी वजह से जो फ़ोन है थोड़ा सा इसका जो थिकनेस है थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इन हैंड फील मुझे यार सच में इसकी काफ़ी अच्छी खासी लग रही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये जो पीछे बैक है ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, सैमसंग इसको बोलता है ग्लास्टिक डिज़ाइन। और साथ ही साथ जैसा आप पीछे देख सकते हो यहाँ पर आपको क्वाड कैमराज देखने को मिलते हैं, कैमराज के बारे में मैं आगे बात करूँगा। और दोस्तों मैंने यहाँ पर इस फोन को सेटअप भी कर लिया है। और अब इस फोन की अगर मैं स्पेसिफिकेशन और इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो फ्रंट में जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्क्रीन है वो मिलती है आपको 6.67 इंचेस की एमोलेड प्लस डिस्प्ले, और ये जो डिस्प्ले है ये फुल HD प्लस रहेगा। और सच बोलूँ तो इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, तो एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पर देख सकते हो कि जो ब्लैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डीप देखने को मिलते हैं, और ऑब्वियसली सैमसंग के जितने भी डिस्प्लेज रहते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे रहते हैं, और यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो इस वजह से जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पंची हैं और वाइब्रेंट है। और उसके बाद ये जो डिस्प्ले है ये इन्फिनिटी और डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आपको जो कैमरा देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का। उसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर दिया गया है, यहाँ पर इसके नीचे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑलरेडी यहाँ पर सेटअप कर लिया है, और देख सकते हो कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफ़ी फास्ट है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद फोन के नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 3.5 हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है, USB-C यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 25 वॉट तक के। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइमरी माइक देखने को मिल जाएगा और स्पीकर ग्रिल है। उसके बाद फोन के राइट साइड में आपको यहाँ पर सिम ट्रे देखने को मिलता है, और ये जो सिम ट्रे है ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर आप दो सिम लगा सकते हो, साथ में आप यहाँ पर अपना माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मिलता है एक्जिनस का 9825, जो कि एक तरह से फ्लैगशिप प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और ये जो प्रोसेसर है मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ जो सैमसंग के नोट 10 में भी, तो जो फ्लैगशिप फोन्स के जो प्रोसेसर है वो सेम आपको यहाँ पर दिया गया है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है इस प्राइस पॉइंट में जितने फोन आते हैं इवन जो स्नैपड्रैगन 765 जो प्रोसेसर रहता है उससे भी यहाँ पर बेटर आपको देखने को मिलती है, और इसी वजह से यहाँ पर जो बेंचमार्क स्कोर है देख सकते हो यार काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा हाई है, 4,52,000 के करीब आपको अंतुतु का स्कोर देखने को मिलता है। Geekbench स्कोर है वो है 2400। मैंने इस पर थोड़ी देर इस पर गेमिंग वगैरह भी अभी ट्राई करी है, अभी इनिशियल इंप्रेशन मेरे यार काफ़ी ज़बरदस्त हैं, जो गेम्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त स्मूथ चल रही हैं। और उसके बाद दोस्तों इस फ़ोन में जो आपको UI मिलता है वो मिलता है One UI 3.1, और ये जो UI है ये Android 11 पर बेस्ड है, तो एकदम आपको लेटेस्ट यहाँ पर UI जो मिलता है, और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है इस फोन की वो भी काफ़ी स्मूथ है। उसके बाद दोस्तों अब बात करें यहाँ पर इस फोन के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पर जो मेन कैमरा, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया कि 64 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा, 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर जो डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाएगा, और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी आपको यहाँ पर दिया गया है। और मैंने यहाँ पर ये जो कैमरा है थोड़ी देर यहाँ पर टेस्ट किया है इंडोर लाइटिंग में, जैसे स्टूडियो लाइटिंग में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इमेजेस देखने को मिलती हैं, और काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर इमेजेस हैं। और उसके बाद यहाँ पर आउटडोर्स में भी जो इमेजेस की क्वालिटी है, जो कलर्स हैं वो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है, और इसमें आपको काफ़ी अच्छे खासे पोर्ट्रेट शॉट्स और इवन जो सेल्फी जो इमेजेस रहेंगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इस कैमराज में और भी बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एक सिंगल टेक का फीचर दिया गया है, जो कि काफ़ी यूनिक फीचर है सैमसंग फोन्स में। तो यहाँ पर अगर आप जैसे कोई फोटो क्लिक कर रहे हो और ये जो कैमरा है आपको अलग अलग तरह के जो सीन्स हैं उसे कैप्चर करके दे देगा, वीडियोज़, फोटोज़, क्रॉप फोटोज़। तो जैसे मैंने ये वाला मोमेंट अभी कैप्चर किया है, तो AI ने यहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, तो उसमें एक शॉर्ट क्लिप भी आपको दिख जाएगी वीडियो की, और साथ में यहाँ पर जो इसको लगता है कि ये जो फोटो है सबसे बेस्ट है, ऊपर एक क्राउन भी आपको दिख जाएगा। तो सिंगल शॉट का जो फीचर है मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों ओवरऑल मुझे ये जो फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी F62 ये काफ़ी पसंद आया इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जैसे फ्लैगशिप फोन्स के जो फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा खासा है, यहाँ पर बैटरी काफ़ी बढ़िया है, स्क्रीन बहुत ही ज़बरदस्त है, और इवन जो कैमराज हैं उसकी परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जिस प्राइस पर ये आ रहा है 23,999 रुपये में आपको जो 6 GB वाला वेरियंट मिलेगा, वैसे इस प्राइस पर भी मुझे ये जो फोन है काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया फ्लिपकार्ट पर 22 तारीख को इसकी सेल है 12 बजे के करीब, और अगर आपके पास ICICI का कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आप यहाँ पर 2,500 रुपये का जो ऑफ आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप फ्लिपकार्ट का जो स्मार्ट अपग्रेड ऑफर है उसे चूज करते हो, तो ये जो फोन है आपको 16,898 रुपये के करीब में आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो फोन है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और अगर आपको ये फोन है इसको खरीदना होगा तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो आपको कैसा लगा ये सैमसंग गैलेक्सी F62 मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में आपको हमारा चैनल पसंद आया, आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोज लेके आओ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।